बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आडो फ़ोटोशॉप पे आपके सामने एक डिमांड वीडियो लेके आया हूँ कि एक तो ये कि हम पिक्चर का जो कलर है वो कैसे चेंज करते हैं, और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर का रियल बैकग्राउंड कलर क्या है, यानी रियल बैकग्राउंड कलर हम कैसे हासिल करेंगे। जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है ब्लू कलर पीछे आप लोग देखते हैं, वो कैसे हासिल किया जाएगा, वो कैसे बनाया जाएगा, आज हम इसके ऊपर आप लोगों को मुकम्मल ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कैसे कलर चेंज करेंगे, इसको समझने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप कलर देख रहे हैं ये ब्लैक कलर जो इसके ऊपर पिक्चर पे आया हुआ है, ये ब्लैक कलर के ऊपर आप क्लिक कर दें, आपके सामने कंप्यूटर आपको लेके आ जाएगा इस प्रोफाइल के अंदर जहाँ पे हम बैठ के अपना कलर तैयार करेंगे। अब जो जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ वो आपने यहाँ पे इस तरह से आपने उसको वो कर लेना है। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे आपने टाइप करना है 198, ठीक है, आपने 100 करना है, ठीक है, और उसके बाद बी को आपने 86 कर देना है, आर को 0 रखना है आपने, और इसको आपने 152 करना है, और ये आपके पास 192 है जी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सेटिंग्स ये आपके पास, जस्ट आपने यहाँ पे ओके कर देना है। इस ओके करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास कलर बकेट है, आपने ये कलर बकेट लेके और इसके अंदर अब आपने कलर जो है वो आपने ऐड कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों के सामने ये वो कलर है जो कि पासपोर्ट साइज पिक्चर की बैक साइड के ऊपर होता है। तो इस तरह से आज आप लोगों ने ये सीख लिया है कि आप कलर प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, वो रियल कलर जो पासपोर्ट साइज पिक्चर की बैकग्राउंड के ऊपर होता है, और आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।